हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में, और बायोकेमिस्ट्री में हम आपसे बात कर रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में, आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सेल डिस्क्रिप्शन मैटर। तो जो सेल है उसको कौन कौन से मेथड्स के द्वारा डिसरप्ट किया जाता है, तो इसके हम मेथड्स हैं उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में। चलिए, सेल डिसरप्शन मेथड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज नॉन मैकेनिकल एंड द अदर इज मैकेनिकल डिसरप्शन। लेट अस बिगिन द डिस्कशन ऑफ नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ सेल डिसरप्शन। लर्नर्स आर एडवाइज टू गो थ्रू वीडियो लिंक। तो देखिए, सेल डिस्क्रिप्शन यानी सेल को हमको क्या करना है, तोड़ना है, उसका विघटन करना है। तो उसके दो मेथड्स हैं भाई साहब, कौन कौन से हैं। एक तो नॉन मैकेनिकल है, जिसमें आपको मैकेनिकल यानी कि आपको कोई भी प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी भारी दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप दूसरा है मैकेनिकल, इसमें आपको मैकेनिकली वर्क करना पड़ेगा। तो नॉन मैकेनिकल वर्क यानी कि इसमें जिसमें आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि सेल अपने आप ही डिसरप्ट हो जाएगी, विघटन हो जाएगा। या फिर आप अगर मैकेनिकल बात करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये नॉन मैकेनिकल मेथड से केमिकल होता है, एंजाइमेटिक होता है और ऑस्मोटिक शॉक के द्वारा हम जो है सेल को डिसरप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, केमिकल के द्वारा कर लेना, एंजाइम के द्वारा या फिर ऑस्मोटिक शॉक के द्वारा। मैकेनिकल में बात करते हैं तो मैकेनिकल सॉलिड सीयर है कोई या फिर लिक्विड सीयर है, सीयर यानी आप कोई प्रेशर दे रहे हैं उसके द्वारा क्या, ठीक है। तो ये बीड मिल के द्वारा कर सकते हैं, फ्रेंच प्रेस के द्वारा कर सकते हैं सॉलिड सीयर में, और लिक्विड में हम सीयर में हम हाई प्रेशर जो है होमोजेनाइजेशन दे सकते हैं या फिर अल्ट्रासोनिकेशन कर सकते हैं या फिर फ्रीज कर सकते हैं। तो ये जो है ये मैकेनिकल मेथड्स हैं। अब जो है इस वीडियो में हम आपसे नॉन मैकेनिकल मेथड्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉन मैकेनिकल मेथड्स के बारे में जान लेते हैं, जो हमने अभी जाना है कि केमिकल होता है, एंजाइमेटिक होता है या फिर शॉक होता है, ऑस्मोटिक। तो पहला जो टाइप है नॉन मैकेनिकल डिसरप्शन मेथड है, उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट विद एसिड और अल्कलाई और विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इस वजह से इसको केमिकल मेथड जो है उसको जाना जाता है। तो पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम करेंगे तो ये जो तीनों मेथड्स लिखे हुए हैं इसमें ये जो केमिकल यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नॉन मैकेनिकल में ये केमिकल लिखना भूल गए हैं। तो ये तो है एसिड एल्कलाई डिटर्जेंट मेथड, ये एंजाइमेटिक ऑस्मोटिक, यानी कि जो है नॉन मैकेनिकल मेथड है इसको हम केमिकल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ट्रीटमेंट किया जाता है या तो एसिड के साथ में, एल्कलाई के या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में। तो केमिकल मेथड में पहला है एसिड एल्कली डिटर्जेंट वाला, दूसरा है एंजाइमेटिक और तीसरा है ऑस्मोटिक शॉक। तो हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट विद एल्कलाई के बारे में, पहला जो मेथड है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन दिस सेल्स और टिश्यूज आर सस्पेंडेड इन एल्कलाई सॉल्यूशन विद ए पीएच रेंज बिटवीन 10 to 12। तो 10 से 12 की जो पीएच है इतने पर क्या करते हैं, इतने की पीएच लेते हैं और उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको सेल को रखेंगे। दिस एल्कलाइन सॉल्यूशन डाइजेस्ट द सेल मेम्ब्रेन इन फ्यू मिनट्स एंड अलाउ द फ्लो ऑफ साइटोसोल टू कम आउट ऑफ द सेल। तो जैसे ही अल्कलाइन जो कि जिसमें पीएच 10 से 12 है उसमें हम सेल को रखेंगे तो वो क्या होगा कि ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको तो ये क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा उसमें, साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इन सम अदर कंडीशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल्स, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, मिथाइल एथाइल कीटोन और टोलुइन कुड बी एडेड। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम ये एल्कोहल भी ले सकते हैं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड भी ले सकते हैं, मिथाइल एथाइल कीटोन भी ले सकते हैं या फिर हम टोलुइन ले सकते हैं। दीज सॉल्वेंट्स आल्सो एक्ट अपॉन द एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन एंड डिजॉल्व द मेम्ब्रेन अलोंग द साइटोसोल। तो बिफोर ट्रीटमेंट सेल ऐसी है, अब जब इसको हम
एसिड या एल्कलाई में रखेंगे, केमिकल रिएजेंट में रखेंगे, तो ये ऐसा ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब क्या है, ट्रीटमेंट जो है उसके डिटर्जेंट के साथ में करते हैं। तो द अदर वे ऑफ डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन इज बाय एडिंग डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स आर ए क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच यूनिक प्रॉपर्टीज इनेबल मैनिपुलेशन डिसरप्शन और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंट्रेक्शन एमोंग मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो ये डिटर्जेंट जो है उनकी डेफिनेशन है कि ऐसा जो है केमिकल्स या क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिकली हाइड्रोफिलिकली वर्क आपस में करते हैं, यानी वो इंट्रेक्शन दर्शाते हैं, वाटर के तरफ उनका जुड़ाव होता है या फिर वाटर की तरफ उनका जुड़ाव नहीं होता है, तो वो दूसरी चीज से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसी जो इंट्रेक्शन से है वो कौन दर्शाते हैं। इन बायोलॉजिकल रिसर्च डिटर्जेंट्स आर यूज्ड टू लाइज सेल्स रिलीज सोलूबल प्रोटीन्स सोलूबलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, सेल को लाइज कर देते हैं, ठीक है। अब जो उसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं, वो सोलूबल हो जाते हैं, लिपिड्स जो हैं और प्रोटीन्स हैं वो आपस में उनमें मिल जाते हैं। तो कंट्रोल प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग इन एफिनिटी प्यूरिफिकेशन एंड इम्यूनोएसी प्रोसीजर्स। तो प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन का जो कंट्रोल है वो प्रिवेंट करता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एफिनिटी को, जो प्यूरिफिकेशन और इम्यूनोएसी द्वारा ली जाती है। आर यूज एज एडिटिव इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ट्राइटन 100 जो होता है, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट HDS होता है, या फिर एथाइडाइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है, आर कॉमनली यूज डिटर्जेंट टू अचीव सेल डिप्रेशन। तो ये जो है जब हम करते हैं डिटर्जेंट्स के द्वारा सेल को लाइज करते हैं, तो उसके जो है एग्जांपल्स हैं वो किन किन के द्वारा कौन कौन से डिटर्जेंट्स लिए जाते हैं, ट्राइटन 100, सोडियम डोसिडियल सल्फेट HDS, एथाइल डाइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ट्राइटन 100 जो होता है ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होता है जो कि सोलुबलाइज करता है प्रोटीन्स के साथ पे है, और वेयर एज सोडियम डोसिडियल सल्फेट जो है वो एनायनिक डिटर्जेंट होता है और वो डिनेचर करता है प्रोटीन बाय डिसरप्टिंग द नॉन कोवेलेंट प्रोटीन बॉन्ड्स मेकिंग प्रोटीन्स लूज दियर नेटिव कन्फॉर्मेशन एंड शेप। ये भी प्रोटीन पर वर्क करता है। Hence this detergent is used in electrophoresis to perform HDS-PH electrophoresis to disrupt the protein-protein interaction and separate protein into individual subunits। अब डाइथाइल एथाइल डाइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का काम भी देख लेते हैं। ये होता है वो तो एनायनिक था, कौन ये हमने बात की है HDS सोडियम डोसिडियल सल्फेट, ये तो था एनायनिक रिएजेंट, ठीक है। और अब जो है हम बात कर लेते हैं एथाइल डाइमिथाइल अमोनियम, ये होता है कैटायनिक रिएजेंट जो एक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन स्पेशली लाइपोपॉलीसेकेराइड्स पर, फॉस्फोलिपिड्स पर, क्रिएट्स माइनर पोर व्हिच फर्दर लीड्स टू ए डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंसेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर अलाउ द सेल टू डिसरप्ट। ये तीनों का काम हमने समझ लिए हैं। तो ये देखिए इसका वो है डायग्राम दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन आफ्टर ट्रीटमेंट विद डिटर्जेंट। तो ये मेम्ब्रेन है, डिटर्जेंट आएगा तो इस प्रकार से डिसरप्ट हो जाएंगे, आपस में टूट टूट करके अलग हो जाएंगे। अगला है एंजाइमेटिक जो ट्रीटमेंट है, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट को हम जो है अगले बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम ऑस्मोटिक शॉक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।